नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही आपके YouTube चैनल BDB ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई जानकारी वर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर हमें ये विश्वास है कि हम एक दिन होंगे कामयाब एक दिन। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आज जो हम आपके लिए लेके आए जानकारी वह है पोस्ट ऑफिस की RD संबंधी आपको जानकारी देना कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा आप RD करवाते हैं। पिछली वीडियो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बताया, अभी RD के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप RD करवाते हैं पोस्ट ऑफिस की तो आपको क्या क्या उसमें बेनिफिट है, कितने समय कितने करवा सकते हैं, उसमें आयु लिमिट क्या है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और आप उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और टैक्स आपको कितना उसमें देना पड़ेगा या आप कितना उसमें आपको टैक्स माफ़ होगा, इसके बारे में आपको बताना है। और आपको बताएंगे कि TDS आप किस प्रकार से उसको, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये सब जानकारी देने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बेल को आप क्लिक करेंगे तभी आपको फ़ायदा है, हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को तो सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। क्या आप पोस्ट ऑफिस में RD प्लान लेते हैं? पोस्ट ऑफिस में RD प्लान, वैसे तो RD जो है आपकी बैंक में भी हो सकती है पोस्ट ऑफिस की वजह से, लेकिन जो है आप पोस्ट ऑफिस में जो RD करवाते हैं उसका आपको क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या बेनिफिट है, उसके लिए लिमिट क्या है। चलिए आज हम पोस्ट ऑफिस की RD के बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में RD आप किस प्रकार से लेते हैं। इस ऑप्शन में हम आपको जो है जानकारी देंगे कि पोस्ट ऑफिस में RD जो है कैसे कैसे ली जा सकती है, कितने समय के लिए ली जा सकती है, कैसे कैसे उसमें आप ले सकते हैं, कितनी RD में आपको कितना पैसा मिलेगा और कितने की आपको RD करवानी, कितने समय के लिए ये होती है। और आपको 10,000 की हर महीने अगर आप आईडिया 5 साल के लिए करवाते हैं तो आपको मिलेंगे 7,25,068 रुपये। तो इस प्रकार से RD में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी ये है। इसमें आपको आगे जो हम बताएँगे आपको टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे इसमें आप कैसे कैसे आपको RD लेनी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम आपको जानकारी की ओर ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि नंबर एक है पोस्ट ऑफिस में RD के बारे में सामान्य जानकारी आपको हम देंगे, नंबर दो में बताऊँगा पोस्ट ऑफिस में RD का इंटरेस्ट रेट क्या है, नंबर तीन में आपको बताएंगे 1,000 की RD, 2,000, 5,000, 10,000 की RD आप पर मंथ करवाते हैं तो आपको कितने साल के लिए कितना उसका बेनिफिट मिलेगा और टैक्स बेनिफिट क्या है, इसमें आपको कहाँ कहाँ टैक्स में छूट मिलती है, कहाँ आपको TDS में छूट मिलती है, इसके बारे में हम बताएंगे। और पांच नंबर हम आपको बताएंगे कि ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जाकर आप RD कैसे ले सकते हैं और क्या क्या उनको आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो चलिए फर्स्ट में हम आपको बताते हैं कि इसके लिए सामान्य जानकारी क्या क्या है। आपको बता दें कि जानकारी के लिए आपको आयु की इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी एज तक, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो 10 साल की आयु वाला बच्चा भी इसमें जो है सेल्फ आईडी जो RD जो है वो ले सकता है, अपना अकाउंट अलग से खुलवा सकता है और एक वृद्ध व्यक्ति भी इसमें अपनी RD ले सकता है। कम से कम जो आप इसमें 10 रुपये से जो है RD शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी पर मंथ करवा सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको कितना, लेकिन कम से कम आपको 10 रुपये पर महीने से आपको शुरू करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी इसमें 10, 20, 15, 20, 25, 50 जितने भी आप लगा सकते हैं और ज़्यादा राशि की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आपको बता दें कि RD जो है आपकी 5 साल के लिए ही होती है, 5 साल पूरे होने के बाद आपकी RD जो है वो ऑटोमेटिकली आगे जो है वो बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि आप कितनी भी RD जो है अपने ले सकते हैं, कितनी भी RD खुलवा सकते हैं, अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने नाम पे जो है RD आप खुलवा सकते हैं किसी भी खाते में। अगर आपको अपना RD जो है, आप एक बात ध्यान दें, अगर आपने RD जो है 1 से 15 तारीख तक के बीच में खुलवाई, यानी कि 1 से 15 तारीख तक खुलवाई, तो आपको जो किस्त है आपकी जो महीने की आप जो राशि जमा करते हैं वो आपको 1 से 15 तारीख यानी कि 15 तारीख होने से पहले पहले ही आपको वो राशि जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। और अगर आपने 16 से 31 के बीच में करवाई है तो आपको 30-31 से पहले पहले अपनी जो राशि है वो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। और ध्यान दें कि अगर आप किसी कारणवश अपनी किस्त जमा करवाने में असमर्थ रहते हैं या आप किस्त नहीं भरवाते हैं तो आपको 1% के हिसाब से आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी, ब्याज लगेगा। जैसे मान लो आप 1,000 की आपने RD करवाई है और आपको जो है आप लेट हो जाते हैं, आप नहीं भर पाते महीने में, तो आपको
परसेंट के हिसाब से 10 रुपये जो है लेट फीस यानी कि पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपने 4 किस्त आरडी की लगातार नहीं दी हैं आपकी, तो आपकी आरडी का जो एक अकाउंट है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको फिर 2 महीने का टाइम भी दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा कि आप अपनी आईडी वह दोबारा से आप 2 महीने के अंदर अंदर आप जो है दोबारा से उसको रीन्यू करवा सकते हैं। अगर आपने दोबारा से उसको चालू नहीं करवाया तो आपकी आईडी जो है परमानेंट जो ब्लॉक कर देती है, डिसकनेक्ट कर देती है, और उसमें जितना भी आपका राशि जब का जमा रहता है वो पोस्ट ऑफिस आपको जो है वापस कर देता है। और अगर आपको एमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बता दें कि जितनी भी आरडी आपने 1 साल के अंदर जितना पैसा जमा करवाया रहता है उसका आप 50% जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। प्री मैच्योर की इसमें फैसिलिटी है कि आप 1 साल के अंदर जो है 1 साल के बाद यानी कि 1 साल में अपने जितना पैसा भर जाना, 12 किस्तें भरी हैं 5,000 रुपये की, तो आपके 60,000 रुपये बन गए, तो आप 30,000 रुपये उसमें से निकलवा सकते हैं। 50% का इसमें प्रावधान है पोस्ट ऑफिस की तरफ से कि आप अपनी आरडी को जो है 1 साल के बाद जो है, मान लो 20 किस्त भरी है तो 20 में से आप 10 किस्त निकाल सकते हैं, जैसे 5 5 20 1 लाख है तो 50,000 निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी आरडी में से अगर आपको इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप 1 साल के बाद अपनी आरडी में से 50% रुपया जो है वो आप अपना निकाल सकते हैं। तो और आपको बता दें कि आगे जैसे ही अगर किसी कारणवश आप नहीं भरते, या हमने आपको बता दी कि आप 4 किस्त के बाद अगर आप नहीं भरते तो आपकी आईडी डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी, और अगर आपका जो है 2 महीने के बाद भी आप नहीं करवाते हैं रीन्यू को नहीं करवाते हैं तो आपको वो आईडी जो है आपकी वो ब्लॉक कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। इस प्रकार का इसमें अगर टीडी अगर आपको बताए इंटरेस्ट रेट इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे आपको कितना बताए, आपको बता दें कि 1 जनवरी 2019 से जो है इंटरेस्ट रेट जो है आरडी का वो 7.3% चल रहा है। ये आरडी का जो रेट रहता है पोस्ट ऑफिस का रेट है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद चेंज होता रहता है, लेकिन इस साल जो है 2019 में जो है पोस्ट ऑफिस ने अपने जो रेट हैं ऑफ इंटरेस्ट हैं ये चेंज नहीं किए हैं, ये तिमाही की बजाय छिमाही का होगा। अभी जून तक आप वही इंटरेस्ट रेट चलते हैं, यानी कि आपको जून तक जो है 7.3% के हिसाब से ही आपको आरडी पर ब्याज मिलता रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एज लिमिट के हिसाब से कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, आपको एक जैसा ही इंटरेस्ट सबको मिलेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो कोई भी है। इसमें आरडी में सिर्फ एक जैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सबको एक जैसा ही इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो है सीनियर सिटीजन के लिए अलग, दूसरों के लिए अलग, ऐसा कोई इसमें नहीं है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए एक जैसा एक समान है। तो आगे आपको बता दें कि 5 साल की आरडी अगर आप लेते हैं तो उस पर किस प्रकार है, इससे हम बाद पहले चर्चा करेंगे। जो आपको क्या है, अगर आपकी आईडी मैच्योर हो जाती है, जैसे आप अपना 1,000 रुपये की आईडी जो है 5 साल के लिए लगाते हैं, आपको 7.3% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 72,506 रुपये मिलते हैं। अगर 2,000 की आईडी, याद रखिए आईडी का जो आरडी का जो रेट है ये पर मंथ के लिए भी बता रहे हैं, ये पर मंथ आप अगर 2,000 रुपये 5 साल के लिए जमा करवाते हैं तो आपको 7.3 के हिसाब से 1,45,013 रुपये मिलेंगे। 3,000 रुपये पर मंथ आप 5 साल के लिए जमा करवाते हैं तो आपको 2,17,520, 5,000 रुपये अगर 5 साल के लिए, यानी कि आपको 60 किस्तें आप जमा करवाते हैं 5 के, और 7.3 के इंटरेस्ट के हिसाब से 3,62,534 रुपये आपको मिलते हैं। और अगर 10,000 रुपये पर मंथ 5 साल के लिए जमा करवाते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3 के हिसाब से 7,25,068 रुपये आपको मिलता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही ब्याज के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतना कम से कम इतना आपको मिलता है। जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तिमाही का, वैसे वैसे आपका जो है पैसा भी बढ़ सकता है, इतना आप लगाने पर कहाँ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लान है पोस्ट ऑफिस का आरडी का कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने लिए पैसा ही पैसा इसमें जोड़ सकते हैं कि हर महीने आप कुछ ना कुछ जो है डिपॉजिट करते रहें आरडी में, और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपको जो है पैसे भी आपके जुड़ते हैं। मतलब अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे, अपने फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर से करेंगे, उनको पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आजकल बच्चों के सपने सब देखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तहसीलदार बने, इंजीनियर बने, उनके लिए आगे जाके भविष्य में बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो आप आरडी करवा के पोस्ट ऑफिस में जो है अपने और अपने बच्चों के सपने जो है पूरे कर सकते हैं, उनके सपने सिक्योर कर सकते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। इस प्रकार से आरडी का जो प्लान है बहुत बढ़िया प्लान है पोस्ट ऑफिस का, आप इसको जाके आरडी जो है बनवा सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। अभी आगे जो बताते हैं आपको टीडीएस में आपको क्या छूट मिलेगी, तो टीडीएस में आपको छूट बताने से पहले हम आपको बता दें कि जो आप जो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी आप लेते हैं उसमें आपको जितना भी आप ब्याज कमाते हैं, जितना भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं, 5 साल में आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो है
TDS कटता है, और TDS कटने के बाद आपको जितनी राशि बचती है वो आपको वापस मिल जाती है। आपको बता दें कि 10,000 के ऊपर आप जितना भी ब्याज लेते हैं वो आपका TDS में आता, आपको TDS उसमें कटेगा। आप ये TDS जो है अपना वापस भी ले सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, आपकी आय कम है, तो आप जो अपना फार्म भर के उसमें जैसे ही आप रिटर्न भरेंगे, रिटर्न्स भरते हैं, तो उसमें आप अपना ये बता सकते हैं कि इतना हमारा जो है TDS कटा था वो आपका जो है आपको वापस हो जाएगा, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो। TDS जो है आपका वो वापस मिल जाए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली आपको बता दें कि अगर आपने जो है 5 साल के लिए RD करवाया है तो आपको इसमें इनकम टैक्स की जो धारा 80C के तहत जो आने वाला बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा इसमें। फिर से सुन लीजिए कि यदि आपने 5 साल के लिए RD करवाया और आपका जो प्लान मैच्योर हो गया है तो आपको इनकम टैक्स की जो धारा 80C के तहत जो आपको बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स में वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि RD में जो है प्री मैच्योर की फैसिलिटी है। आप इसको 1 साल के बाद कभी भी जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप निकलवा सकते हैं, उसको आप जो है प्री मैच्योर करवा सकते हैं। इसलिए जो आपको जो है इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत RD में जो है आपको जो है इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है दोस्तों। तो RD आपको कैसे बनवानी चाहिए, कब बनवानी चाहिए, कैसे बनवानी चाहिए? आप RD बनवाने के लिए आपको बताएं कि ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको जो है अपने पोस्ट ऑफिस जो नज़दीकी आपका पोस्ट ऑफिस उसमें आपको जाके संपर्क करना पड़ेगा। आप संपर्क करके उसकी जानकारी लेके वहाँ पे फार्म भर के आप जो RD अपनी ले सकते हैं, और पूरी जानकारी कि कितना इंटरेस्ट है, कितना सिमाही है, कितना तिमाही है, कितना हमारे को पैसा मिलेगा, कितना लगाने के ऊपर पूरी जानकारी लेकर ही आप लोग जो है RD करवाएं। और पोस्ट ऑफिस की RD तो बहुत बढ़िया प्लान है कि जो आप अपना जो है कम बचत कर सकते हैं। एक छोटी छोटी बचत के सामने बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। आप पर मंथ छोटे छोटा जो है बचत करते सेविंग करके जो है 5 साल बाद अच्छी अर्निंग अच्छा पैसा जो है जोड़ सकते हैं, या 10 साल बाद अच्छा पैसा आप जोड़ सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो 5 साल बाद आप अपनी RD तोड़वा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो 5 साल के बाद जैसे जो रीन्यू प्लान हो जाता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो आपको जो है और भी आपकी राशि जो है इसमें जुड़ती रहती है। तो इस प्रकार से ये RD का प्लान था जो हमने आप लोगों को बताया। अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल इसमें KYC होती है जिसमें आपके ID प्रूफ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ रहते हैं, आपकी फ़ोटो रहती है, आपका पैन कार्ड। अगर आपने 50,000 से ऊपर RD करवाई है तो 50,000 पर मंथ आपको जमा करवाते हैं तो आपको जो है पैन कार्ड जो है वो रिक्वायर है, उसको आपको देना पड़ेगा, और आपकी बैंक डिटेल भी आप इसमें शामिल किया, बैंक डिटेल का उसमें देना पड़ेगा आपको। तो उसके बता दें कि आप जो है अपना अकाउंट जो दोस्तों इसमें ये फैसिलिटी है कि आप अपना जो RD अकाउंट है वो आप कैश देकर भी खुलवा सकते हैं या बाई चेक भी खुलवा सकते हैं। पर मंथ आप कैश भी जमा करवा सकते हैं या बाई चेक, आप चेक के द्वारा ही आपको ये फैसिलिटी है पोस्ट ऑफिस में कि आप चेक के द्वारा या कैश के द्वारा दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है उसमें आप जो है पोस्ट ऑफिस की RD जो है खुलवा सकते हैं। तो आपको पैन कार्ड जरूरी है, बैंक डिटेल जरूरी है। पैन कार्ड तब जरूरी है जब आप 50,000 से ऊपर की RD खुलवाते हैं, और एड्रेस प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, ID प्रूफ देने पड़ेंगे, और फोटो आपकी देनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप जो है बैंक में जाके अपनी RD आप खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस की RD के स्कीम के संबंध में, कितना पैसा लगाने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि ये जानकारी हम जो है आपको दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस की जो शाखा है उसमें संपर्क करना पड़ेगा। आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपना RD प्लान जो है शुरू कीजिएगा, और तभी आपको जो है फ़ायदा। आपको बता दें कि छोटी छोटी सेविंग जो है फ्यूचर में जाके आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेदार होने वाली, फ़ायदेमंद होने वाली। तो आप पोस्ट ऑफिस में RD करवा लें, इससे अपने बच्चों को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा है। पोस्ट ऑफिस की RD में बहुत आपको बेनिफिट मिलते हैं। ये आज की जानकारी थी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, पक्का पक्का शुक्र एकदम से। वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे उतना हमारे में मोटिवेशन पावर आएगी, हम आपके साथ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो बना के पेश किया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग पोस्ट ऑफिस के RD प्लान के बारे में जानकारी नहीं रखते उनको जानकारी हो जाए, और वो RD प्लान के माध्यम से अपनी छोटी छोटी सेविंग करके जो अपने बच्चों को और अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीड बी ऑल अप टू डेट के साथ। बाय बाय।